हाय फ्रेंड्स, किसी के सपनों में जाना, ड्रीम में वॉक करना, ये कब ज़रूरी होता है? हम क्यों किसी के सपने में जाना चाहते हैं? जब हमें कुछ मैसेज, कुछ ऐसी बात किसी को कन्वे करनी है जो इंसान बहुत टाइम से हमसे कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, एक मेरी वीडियो है टेलीपैथिक मैसेज की, उससे भी रिजल्ट्स मिलते हैं। बट ये है कि आप किसी को अपना प्रेजेंस बताना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक के थ्रू, इस मेडिटेशन के थ्रू आई वुड से बहुत इजीली किसी के ड्रीम में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो कहा गया है कि आप किसी के ड्रीम में एंटर करना है तो आधी रात के समय अपना जिस भी इंसान के ड्रीम में एंटर करना चाहते हैं उनको अपने माइंड में ला करके, उनके बारे में सोच के, और एक ऐसा स्पेसिफिक टाइम आपको माइंड में रखना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस टाइम पे वो इंसान सो गया होगा। अच्छा, ये हमेशा हर वक्त नहीं हमें पता चलता, लेकिन आज के डेट में हम ये चीज़ भी पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान सो गया है कि नहीं। कैसे? आप उस इंसान को या किसी सोशल मीडिया पे, आई वुड से इंस्टाग्राम हो गया आपका, कोई भी सोशल मीडिया, व्हाट्सएप हो गया, आप उस पे उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर वो ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि वो सोए नहीं है अभी। अगर कहीं पे ऑनलाइन नहीं दिख रहे हैं और रात हो चुकी है, दैट मीन्स द पर्सन इज एस्लीप। ओके, सो अभी क्या है, जब कोई सो जाता है उसी टाइम हम उनके ड्रीम्स में एंटर कर सकते हैं और अपना मैसेज, अपनी बात जो हमें बताना है या अपनी प्रेजेंस जो उनको हम बताना चाहते हैं वो हम वहाँ पे कर सकते हैं ड्रीम्स में जा कर के। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन चेक द पर्सन इज स्लीपिंग और नॉट। और हाँ, जिन लोगों के नंबर्स ब्लॉक्ड हैं वो देख ही नहीं सकते कि ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो किसी भी तरह से आप फिर अपने आप एक अनुमान लगाइए कि हाँ, इस टाइम तक 12 बज रहे हैं या इतनी रात हो गई तो अब तक वो सो गए होंगे, फिर आप ये टेक्निक करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही दिन, इसको आप कंटिन्यूअस करते रहिए। ठीक है, जब तक अगर आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कुछ उधर से कम्युनिकेशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल जाता, तो आप कंटिन्यूअस कीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि आज अगर आप कर रहे हैं तो उसी टाइम आप उनके ड्रीम में एंटर कर पाए कि नहीं। क्यों? क्योंकि मे बी उस टाइम पर वो सोए हुए नहीं हों, मे बी कहीं और हो और आपको पता ही नहीं है, एंड आप ये मेडिटेशन कर रहे हो। उनका, जिसके लिए आप ये कर रहे हो, जिनके ड्रीम्स में जाने के लिए, उनका सोना, मतलब उस वक्त उनका सोते रहना बहुत ज़रूरी है, उनका सोए हुए होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन ट्रैवल इन ड्रीम्स। एंड येस, जब भी इसको एक होता है कि हम सिंपल बैठे हैं और उसके बारे में सोचने लग गए और कर रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम मेडिटेशन लेवल में जाके करते हैं उसका इफ़ेक्ट, उसका जो बेनिफिट होता है वो बहुत ज़्यादा मिलता है, बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। मेडिटेशन लेवल एक बहुत हाई जोन पे चला जाता है और उसमें वाइब्रेशंस बहुत तेज़ होते हैं। सो इसको भी अगेन हम मेडिटेशन लेवल में ही जाकर के हम किसी के ड्रीम में एंटर करेंगे। इस मेडिटेशन को स्टार्ट करने से पहले, जिसके लिए भी आप ये करने जा रहे हैं, उसका चेहरा आप बहुत अच्छे से विजुलाइज करेंगे। अगर उसका चेहरा आपको नहीं विजुलाइज कर पा रहे तो उनकी फ़ोटोग्राफ होगी, डेफिनेटली होगी, जिस इंसान के ड्रीम में आप जाना चाहते हो, उनकी फ़ोटोग्राफ लेके उनको प्लीज़ थोड़ी देर देख लीजिए ताकि उनका चेहरा आपके दिलो दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। ठीक है, ये ड्रीम्स में जाने का जो सेशन है, बेसिकली इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक इल्यूशन होता है विच ब्रेन क्रिएट्स ऑफ सर्टन थिंग्स, और वही हमारे ड्रीम में आती है, ये तो हम सबको पता है। लेकिन हम अपनी थॉट्स को भी ड्रीम के थ्रू, ड्रीम में जाकर के किसी को ये चीज़, अपनी थॉट कन्वे कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव। ठीक है, सो अभी आप उस पर्सन को पहले पूरे अच्छे से विजुअलाइज कर लेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आप जब ड्रीम में एंटर कर रहे हैं तो करने के बाद आपको क्या मैसेज देना है उनको। सिंपल एंटर करके और वहाँ पे आप गए हो किसी के ड्रीम में, किसी के सामने आप खड़े हो, तो क्या कहना चाहते हो, ये दो चीज़ें आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आप कॉल मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं, वो सब जो भी है, ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर पिक्चर के साथ आप अपने माइंड में रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद इस मेडिटेशन को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा जैसा मैं इस मेडिटेशन में बोल रही हूँ, प्लीज़ वैसा वैसा कीजिए। ओके, सबसे पहले मेडिटेशन का जो रूल है, और ये जो टेक्निक है, ये बिल्कुल बहुत रात में, जब आप कंफर्म हो कि हाँ, अभी अगर 11 बज रहे हैं, 10 बज रहे हैं, अब वो जिसके ड्रीम में जाना है वो सो चुका है या सो चुका होगा, या आपको अगर पता है कि वो इतने बजे सोते हैं, बेस्ट है। और थोड़ा लेट नाइट,
जितना लेट नाइट हो सके, क्योंकि बहुत रात होने के बाद सामने वाला जो बंदा है वो गहरी नींद में जा चुका है। गहरी नींद में ही जाने के बाद सपने भी आते हैं, तभी तो आप एंटर कर पाएंगे, तभी तो आप उनके उस वो जो थॉट्स चल रही हैं उस थॉट में आप एंटर करोगे। ये जो सपने हैं ये सब थॉट्स ही तो हैं, ठीक है, हमारे ही थॉट्स हैं, हमें पता नहीं है। उसी थॉट में आपको एंटर करना है, अपनी वाइब्रेशंस को भेज के उनकी थॉट बनना है, राइट। तो अभी यस लेट नाइट आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप बैठिए या लेट जाइए जिस भी तरह से, बिकॉज इट्स अ ड्रीम ट्रैवल, तो आपको भी उस मुद्रा में जाना पड़ेगा कि आप भी सपने में ही जा रहे हो, सपने में ही वहाँ ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। आपकी आपका जो सोल है वो आपकी बॉडी को छोड़ के निकल रहा है तभी उनके पास जा रहा है, ओके। सो दिस इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस मेडिटेशन वेन यू वेन आप लोग ये सब जब आधी रात को या फिर बहुत लेट नाइट में कर रहे हैं, जब सब सो चुके हैं तब, तो आपका सोल यहाँ से ट्रैवल कर रहा है इस मेडिटेशन के थ्रू। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस मेडिटेशन में आप लोग लेट जाइए आराम से, अपनी आँखें क्लोज, अपनी आँखें बंद करिए, आईज क्लोज कीजिए, ब्रीद इन ब्रीद आउट कीजिए। नाउ जस्ट फील कीजिए कि आपकी बॉडी बिल्कुल लाइट है, अभी बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं आप, इतना लाइट कि एक फेदर के समान। अब आपकी बॉडी से आपकी सोल जो बहुत लाइट होती है, वेरी वेरी लाइट, वो रिलीज हो रही है, निकल रही है। अब आप ट्रैवल कर रहे हैं तारों के बीच आसमान में, रात में ट्रैवल करते हुए आप उस इंसान के पास पहुंचे हैं, उस इंसान से मिले हैं जिनके सपने में आपको जाना है। उस इंसान के चेहरे को देखिए, उनकी आंखों को देखिए, उनकी आंखों में गहराई से देखिए, अब उनकी आंखों से आपने उनकी सोल को अट्रैक्ट किया है, अपने पास बुलाया है। आप उनकी आंखों से उनके सपने में उतरे हैं, उनके ड्रीम्स में वॉक कर रहे हैं आप। आपको एक अजीब सी सहरन का अनुभव हो रहा है, उनके माइंड में हैं आप अभी। वो आपको देख रहे हैं, आप बहुत सुंदर लग रहे हो और वो आपको देख रहे हैं, अपनी इन्हीं नजरों से एक टक आपको देख ही रहे हैं। आप उनके सपने में हो, वो आपको देख रहे हैं, अब आप अपने अपने मैसेज
उन्हें कन्वे कीजिए, बताइए कि आप क्यों आए हैं उनके सपने में, क्या बोलना है आपको उनसे। उन्होंने आपकी बात को सुना है। एक्सेप्ट किया है। वो आपको बहुत जल्दी कॉल करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप दोनों की बातें होने वाली हैं। आपको देख के वो बहुत खुश हैं। वो अपनी बात आपसे कह रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। आप सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप उनके हाथ को टच कीजिए। इस टच को फील कीजिए। एक डीप, एक इंटेंस फीलिंग है। आप उनके सपने में जाके अपने दिल का हर हाल सुनाइए। आप उनके सपने में अपना आने वाला कल उनको बताइए। उनको वो सपना दिखाइए। आप उन्हें अपनी याद दिलाइए। अपनी सारी बातें उन्हें बताइए। अब आप वापस आएंगे, उनके सपने से निकलेंगे, उन्हें हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा के लौटिए। आप वापस आइए, वापस अपनी बॉडी में एंटर कीजिए। आसमान में ट्रैवल करते हुए, सितारों के बीच उड़ते हुए वापस आपकी सोल, आपकी एनर्जी वापस आपकी बॉडी में आ रही है। उस सिहरन को महसूस कीजिए जब ये आत्मा शरीर में वापस प्रवेश हुई है। अब आप लोग बिल्कुल आराम से रिलैक्स करिए। डीप ब्रीद इन, डीप ब्रीद आउट करते हुए इस मेडिटेशन से बाहर आइए। अपने ब्रेन, अपने सोल को रेस्ट दीजिए, रिलैक्स कीजिए, निकल के बाहर आइए।
सो फ्रेंड्स, नाउ वी आर बैक फ्रॉम दिस मेडिटेशन और थोड़ा थका हुआ लग रहा होगा, रात भी बहुत हो चुकी है क्योंकि ये बहुत रात में करना है। अब आप लोग कुछ ज़्यादा सोचिए मत, चुपचाप सो जाइए। जिनके सपने में आपने जाना था आप जा चुके हैं, वाइब्रेशंस चली जा चुकी हैं, वो आपको याद कर रहे हैं। अब वो बहुत याद कर रहे हैं तो मे बी हो सकता है कि उनकी वाइब्रेशंस भी आपके पास आएँ, आप वो भी आपके सपने में आ सकते हैं, आप उनका सपना देख सकते हैं अगर वो आपको अपने सपने में दिखें तो। यस, और भी ज़्यादा पॉजिटिव रहिएगा कि आपकी वाइब्रेशंस उनको टच कर गई हैं, हिट कर गई हैं, एंड दिस इज़ वेरी इफेक्टिव, कीप डूइंग इट। इसका रिज़ल्ट आपको उधर से कॉल आके या उधर से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ जो आपने उनको कन्वे की है उसके रिगार्डिंग आपको मिलेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मेडिटेशन, आई होप यू गाइज एन्जॉयड। सो दिस इज़ ऑल, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।